औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जिएं। मुहत्सिब। निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहों के मंदिर बनवाए? चंदेल। खानवा का युद्ध 1527 किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ईसानी दूसरा सिकंदर घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया? शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। सुव्याख्यात कोहिनूर हीरा किस खाने से निकाला गया? गोलकुंडा। कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? सूतों और मुकदमों को अधिक विशेष अधिकारी दिए जाए। पलुओं की राजधानी का नाम था कांची। नूर जहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को कहते हैं हम्पी। निम्नलिखित में मुगल भावनाओं में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस। 729 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था चालुक्यों ने। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पलुओं। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? पार्थियन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिग तुगलक। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? 1 और 3। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस पर उन कारीगरों के नाम उत्तीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा। चित्तौर में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभ। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रखें। 4, 5, 1, 3, 2। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम पर स्तर पर पहुंची? जहांगीर। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ताऊस 1739 में कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 4, 2, 3।
फिर